तमाम बुराइयों से निजात हासिल करने के लिए एक ताकतवर जरिया है। बाशुमूर काला जादू, हसद और नजरे बद से बचाती है। अगर इस सूरत मुबारक को खास नीयत से पढ़ें तो ये तमाम मनफी कामों के खिलाफ दाल का काम करती है। आपकी तमाम हाजतों को पूरा करने में मदद देती है, काले जादू से महफूज रखती है, रोजाना पढ़ने से परेशानियों से दूर रखती है। कायदगी से पढ़ने से आपके रिजक में बरकत आएगी, इससे आपका ईमान भी ताज़ा होता है और ये सूरत आपको अल्लाह पाक के करीब लाती है। ये आपको अंदरूनी सुकून और सुकून तलाश करने में मदद देती है, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर तंदरुस्ती हो सकती है। तो अगर आप बुरे ख्वाब का शिकार हैं, ये रात को सोने में आपको तंगी या परेशानी होती है, तो सोने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या हबीब अल्लाह, मोहम्मद अहद के मौजूदा नाज़रीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं आप खैर व आफियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। मौजूदा नाज़रीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको सूरत नास के फ़ायदे और वज़ाइफ़ बताएँगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सूरत नास कुरान पाक की 114 नंबर सूरह मुबारक है। ये एक मुख्तसर सूरत मुबारक है जो 6 आयात पर मुश्तमिल है। ये सूरत मुबारक अपने रूहानी शफा बख्श खूबियों फवायद के लिए मशहूर है। आए देखते हैं सूरत नास के चंद फवायद। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल मोहम्मद अहद को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मालूमात से मुतल्लिक वीडियो बर वक्त मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर एक, बुराई से हिफाजत करती है। सूरत नास तमाम बुराइयों से निजात हासिल करने के लिए एक ताकतवर जरिया है। बाशुमूर काला जादू, हसद और नजर बद से बचाती है। अगर इस सूरत मुबारक को खास नीयत से पढ़ें तो ये तमाम मनफी कामों के खिलाफ दाल का काम करती है। नंबर दो, शफा बख्श ताकतें। सूरत नास अपनी जहनी और जिस्मानी दोनों तरह की हसूसियात के लिए शफा बख्श मशहूर है। ये आपको अंदरूनी सुकून और सुकून तलाश करने में मदद देती है, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर तंदरुस्ती हो सकती है। नंबर तीन, बेख्वाबी का इलाज, यानी आपको बुरे ख्वाब आते हैं तो अगर आप बुरे ख्वाब का शिकार हैं, ये रात को सोने में आपको तंगी या परेशानी होती है, तो सोने से पहले सूरत नास की तलावत करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये एक के दिमाग को बेहतर और बेहतरीन नींद आने में मदद देती है। नंबर चार, बरकतों में इजाफा। सूरत नास को बाकायदगी से पढ़ने से आपके रिजक में बरकत आएगी, इससे आपका ईमान भी ताज़ा होता है और ये सूरत आपको अल्लाह पाक के करीब लाती है। आपकी तमाम हाजतों को पूरा करने में मदद देती है, काले जादू से महफूज रखती है, रोज़ाना पढ़ने से परेशानियों से दूर रखती है। अगर इस सूरत मुबारक को खास नीयत से पढ़ें तो ये तमाम मनफी कामों के खिलाफ दाल का काम करती है। नंबर दो, शफा बख्श ताकतें। सूरत नास अपनी जहनी और जिस्मानी दोनों तरह की हसूसियात के लिए शफा बख्श मशहूर है। ये आपको अंदरूनी सुकून और सुकून तलाश करने में मदद देती है, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर तंदरुस्ती हो सकती है। नंबर तीन, बेख्वाबी का इलाज, यानी आपको बुरे ख्वाब आते हैं तो अगर आप बुरे ख्वाब का शिकार हैं, ये रात को सोने में आपको तंगी या परेशानी होती है, तो सोने से पहले सूरत नास की तलावत करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये एक के दिमाग को बेहतर और बेहतरीन नींद आने में मदद देती है। नंबर चार, बरकतों में इजाफा। सूरत नास को बाकायदगी से पढ़ने से आपके रिजक में बरकत आएगी, इससे आपका ईमान भी ताज़ा होता है और ये सूरत आपको अल्लाह पाक के करीब लाती है। आपकी तमाम हाजतों को पूरा करने में मदद देती है, काले जादू से महफूज रखती है, रोज़ाना पढ़ने से परेशानियों से दूर रखती है।
ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل محمد احد کو سبسکرائب کریں۔